بيت الخلافه قام يا خلاني صرح مهيب ثابت الاركان حصن حصين لا يضام نزيله فاسعوا بعزم صادق الوجداني بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم في نقل لانشطه امير المؤمنين حضره ميرزا مسعود احمد الخليفه الخامس للمسيح الموعود ايده الله تعالى بنصر عزيز وفي هذه النشره سنقوم بتغطيه لمجموعه من اللقاءات المختلفه التي قام بها حضرته ايده الله تعالى بنصر عزيز الاسبوع الفائت حيث قام حضرته بلقاء رئيس جانا السابق وكذلك عددا من ناصرات الأحمدية وسيدات من لجنة إماء الله من ألمانيا وكذلك عدد من أعضاء مجلس بلدية هامبريش يوم الأحد الماضي تشرفت أكثر من سبعين من ناصرات الأحمدية وعدد من سيدات لجنة إماء الله اللواتي سافرن خصيصا من ألمانيا بلقاء حضرة خليفة المسيح الخامس نصره الله في استوديوهات MTA في إسلام أباد بدأ اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم وترجمتها الألمانية ثم قدم تقرير عن الرحلة من ألمانيا وأتيحت بعدها الفرصة للناصرات لطرح مجموعة من الأسئلة حول دينهن फ़िर मेरा सवाल है कि मैं अल्लाह ताला को अपनी जिंदगी में वो अहमियत कैसे दे सकती हूँ जिसका वो हकदार है तो मैं ये पता है कि तुम्हें सब कुछ देने वाला कौन है अल्लाह ताला ही देता है ना अल्लाह ताला कहता है तुम दूसरे लोगों के जिसकी तुम इबादत करते हो या जिनको समझते हो कि बहुत कुछ देने वाले हैं वो तो कुछ नहीं देते दे दे रबीन मैं हूँ मैं रब हूँ तुम्हारा मैं तुम्हें पालने वाला हूँ मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले तुम्हारे लिए इंतजाम किया जब पैदा होने वाली थी तुम्हारे माँ के तुम्हारे का के ज़रिए तुम्हारे दूध का इंतज़ाम किया फिर तुम्हारी परवरिश करने के लिए तुम्हारी माँ का इंतज़ाम किया जो तुम्हारी नगेदाशत करती है फिर उसने हर तरह तुम्हारा ख्याल रखा फिर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तलीम का ख्याल रखा तुम्हें पढ़ने की तोफ़ी के लिए कोशिश की उससे अल्लाह ताला ने तुम्हें पढ़ने की तोफ़ी दी तो ये चीज़ें याद रखो तो तुम्हें पता लगेगा कि अल्लाह रब है पालने वाला है और रब है तो उसका मैं शुक्रगुजार बनूँ जो अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है वही इबादत है जो वो शुक्रगुजारी करोगी तो अल्लाह मिया ने किया अच्छा मेरी शुक्रगुजारी करनी है तुमने तो मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ क्या करो तुम यूँ करो कि पाँच वक़्त नमाज़ें पढ़ा करो ठीक है और उसमें जहाँ मसनून दुआएँ या कुरानी दुआएँ हैं उसके अलावा मेरे सजदे में जाके रुकू में जाके मेरा शुक्र अदा करो कि मैंने तुम्हें पैदा किया और उसके बाद फिर तुम्हारी परवरिश का इंतजाम किया तुम्हें पालने का इंतजाम किया तुम्हारे माँ बाप तुम्हें दिए अच्छे जो तुम्हारी तालीम का भी ख्याल रखते हैं तुम्हारे कपड़ों का भी लिबास का भी ख्याल रखते हैं तुम्हारे आने जाने का ख़र्चा भी उन्होंने दिया अब यहाँ आई हो ना पैसे उन्हीं से लेके आई हो ना तो, तो, तो इस तरह फिर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो उस जब ये ख्याल आएगा ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मेरे लिए पैदा की हैं तो अल्लाह की इबादत का हक़ भी अदा होगा और अल्लाह की शुक्रगुजारी भी ज़्यादा पैदा होगी ठीक है ठीक है जजाकला मेरा सवाल ये है कुरान करीम की सूरत आमाए कि आयत नंबर बावन के मुताबिक हमें ईसाइयों या यहूदियों को दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहिए सारा कुरान्शी पढ़ो सिर्फ एक आयत ना ना पढ़ो उससे पहले अल्लाह में यह कहा कि अल्लाह तुरान करी तारा ममनों को हदायत का रास्ता दिखाया और आसन दिन जो है सबसे बेहतर दिन तुम्हारे लिए पैदा किया और अगर तुम खौफ के मारे उनको दोस्त बनाओगे तो तुम गलत करोगे दूसरी तो जगहों पर अल्लाह तक ने कहा है कि उनको ऐसा दोस्त ना बनाओ कि मोमनों से पर हट के उनको दोस्त बना लो मोमनों की बातें ना मानो कुरान करीम की बात ना मानो दीन की बात ना मानो तो जमात जो, जो तुम्हें कहती है वो अच्छी बातें ना मानो और को मेरी सहेली जो थी ना स्कूल में वो ये बातें कहती थी चाहे वो सहेली तो को दीन का पता ही नहीं है खुदा तला को मानती नहीं है ना अल्लाह का पता ना रसूल का पता ना अल्लाम की तलीम को अमल करती है वो इबादत करने वो जाते नहीं दीन को वो छोड़ बैठे हैं तो जब तुम दोस्त बनाओगे तो उनकी दोस्ती का असर तुम्हारे पे होगा फिर तुम भी दीन से दूर हटते जाओगे वैसे तो अल्लाह मियाँ ने मना नहीं किया अगर तुम दोस्त बनाओगे वाकिफ़ बनाओगे करीब ताल्लक़ करोगे तभी तुम तबलीग कर सकती हो ना उनको जब तुम उनसे दूर दूर रहोगे हाय 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 मेरे करीब ना आना हैं तो फिर तुम तबलीग किस तरह करोगी तो अल्लाह मियाँ का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे लोग जो दीन से दूर हटे हुए हैं उनको दोस्त ना बनाओ और खौफ ज़िदा ना हो किसी से सारा पढ़ो ना अगर तो तुम्हें ये पता लगता है और अल्लाह ताला ने तुम्हें ही फता देनी है तुम नहीं कामयाब होना है ये ना समझो कि दुनिया वाले कामयाब हो जाएंगे आखिर कामयाबी तुम्हारी है इसलिए उन बुरे लोगों से बचो एक दफ़ा एक सिख आया गलबा हजरत अलैहिस्सलाम के पास उसने कहा कि मैं दीन से दूर हट रहा हूँ फरमाया कि तुम तो जिस कुर्सी पर बैठते हो ना स्कूल में इकट्ठे बैठते हो ये कॉलेज में तुम तो अपना जस्क चेंज कर लो अपनी चेयर तब्दील कर लो तुम तो पीछे किसी और के साथ बैठो जो अच्छा दीनदार है थोड़े दिन के बाद उसने आके काम दिया कि हाँ मैंने जब अपना कुर्सी तब्दील कर ली है अपनी सीट बदल ली है उससे अब मैं उसके साथ नहीं बैठता तो मेरे ख्याल दोबारा जो एथियस ख़्याल हो रहे थे देहरिया ख्याल हो रहे थे खुदा को नाम मानने के ख्याल हो रहे थे दीन से दूर होने के ख्याल आ रहे थे वो तो सब ठीक हो गए हैं क्योंकि जो मेरा मेरा जो क्लासमेट है जिसके साथ मैं बैठता हूँ वो दीनदार है तो इसलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जब तुम बुरे लोगों को दोस्त बनाते हो वो तुम्हारे पे असर असरानंदाज़ हो जाते हैं ना भी कोई बात करें तब भी लाशोरी तौर पे तुम पे असर असरअंदाज होते हैं ठीक है इसलिए ऐसे दोस्त बनाओ जो अच्छे हों दीनदार हों अच्छे अखलाक के हों बाद लोगों में दीन नहीं होता लेकिन अखलाक अच्छे होते हैं वो तुम्हारी बातें सुनते हैं तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं तुम्हें तंग नहीं करते हैं स्कूल में बुली नहीं करते ठीक है उन लोगों को दोस्त बनाया जा सकता है अल्लाह ताली की यह मुराद ये है दोस्त ना बनाओ कि बुरे लोगों को दोस्त ना बनाओ और इन लोगों में से अक्सर लोग जो, हैं, जो काफिर हैं वो उनमें से बुराइयाँ पैदा होती हैं वो बुतप्रस्त हैं शिरक करने वाले हैं वो तो उनकी ख्वाहिश ये है कि तुम्हें दीन से हटा दें और तुम भी उन जैसे हो जाओ इसलिए इससे बचने के लिए अल्लाह ताला ने कहा लेकिन दूसरी जगह पर यह भी फरमाया है कि इनको दोस्त बनाओ इनको तब्दील करो जो तुम्हारे दुश्मन हैं उनको तब्दील करो इतना दोस्त बनाओ उनको कि तुम्हारे वो ऐसे दोस्त बन जाएंगे जैसे कि वो तुम्हारे बहुत गहरे खूनी रिश्तेदार हैं वली वलीम गहरी दोस्ती हो जाएगी उनसे तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं अल्लाह ताला ने कहा कि हर एक दोस्ती बंद है अल्लाह ताला ने कहा है उनसे दोस्ती नहीं करनी जिनके अखलाक बुरे हैं जो मॉरली अच्छे नहीं हैं क्योंकि वो फिर तुम्हें बिगाड़ देंगे ठीक है लेकिन जो अच्छे लोग हैं जिनके अखलाक अच्छे हैं चाहे वो मज़हब नहीं भी तुम्हारा मानते तब भी उनको दोस्त बना लो वो अच्छे अखलाक की वजह से तुम्हारे करीब आएँगे जब तुम्हारे करीब आएँगे तो फिर तुम्हें तब्लीग का रास्ता खुलेगा फिर उनको तब्लीग करके तुम दीन की बातें सिखा सकोगी यहाँ मुराद ये यह नहीं है कि किसी को भी दोस्त नहीं बनाना यहाँ मुराद ये यह है कि ऐसे काफ़रों को जो तुम्हें दीन से दूर हटाने वाले हैं उनको दोस्त ना बनाओ मेरा सवाल है कि जो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कब्र के अजाब से बचा क्या फोत होने के बाद कब्र में ये महसूस होगा कब्र के अजाब से मुराद ये है कि मरने के बाद तो इंसान कब्र में ही होता है ना तो एक ज़ाहरी तौर तो पर एक मिसाल दी हुई है हिसाब किताब तो मरने के साथ ही शुरू हो जाता है कब्र में जाता है उसको हिसाब किताब शुरू हो जाता है रूह तो आसमान पर चली जाती है तो उस कब्र के हिसाब से हमारा ये है कि अल्लाह ताला हमारे से सवाल जवाब ज़्यादा ना करे और हमारा जिस्म तो कब्र में पड़ा हुआ है लेकिन हमारी रूह से इस तरह का सलूक करे कि उस सज़ा ना मिले उसे और अल्लाह ताला हमें बख्श दे ठीक है अल्लाह ताली हमसे राज़ी हो जाए उसका तरीका यही है कि हम नेक काम करें अल्लाह ताला ने कहा है मेरी इबादत करो उसकी इबादत करें अल्लाह ताला ने कहा है तुम अच्छे अखलाक दिखाओ दूसरों का ख्याल रखो गरीबों का ख्याल रखो यतीमों का ख्याल रखो हैं तो तुम उनका ख्याल रखो और लोगों से अच्छी तरह मिलो दूसरों से अच्छे अखलाक से पेश आओ तो ये सारी चीज़ें जो हैं इबादत के रंग में होती हैं तो अल्लाह भी जब हक़ अदा कर रहे हो गए और बंदों का अदा कर रहे हो गए तो अल्लाह ताला को भी सजा देने की ज़रूरत क्या है ठीक है इसलिए लेकिन फिर भी खौफ रहता है कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए इसलिए ये दुआ भी करते रहना चाहिए अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से बचाए हमारे से कोई ऐसा सवाल ना करे मरने के बाद जिससे हमें यह एक मेटाफॉ और है तमसीली बात है मिसाल दी हुई है कि कब्र में इंसान जाता है तो इंसान की जिस्म कब्र में होता है रूह तो उस निकल के आसमान पर चली जाती है उसी वक्त अजाब मिलना है तो उस रूह को एक नया जिस्म अल्लाह ताला देता है उसको अजाब मिलता है इस जिस्म को तो अजाब नहीं मिलता ठीक है ये तो यहीं रह गया तो एक मिसाल दी हुई है तुम्हें तो समझाने के लिए कब्र के हिसाब से कि जब तुम मर गए कब्र में चले गए तो फिर वहाँ सजा का सिलसिला शुरू हो जाता है सजा उस कब्र में नहीं मिल रही होती सजा तो उस रूह को मिल रही होती है जो तो ऊपर चली जाती है लेकिन उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने, ने कब्र से दे दी क्योंकि तुम सिर्फ कब्र के जिस्म को जानती हो ठीक है इसलिए अल्लाह ताला हमें बचाए हमारे से ऐसा हिसाब किताब ना ले जिससे हम परेशान हो जाएं मेरा सवाल ये है कि जब हजूर अनवर खुश होते हैं या परेशान होते हैं तो हजूर क्या करते हैं खुश होते हैं तब भी वही करते हैं परेशान होते हैं तब भी वही करते हैं, <laughs> 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 हैं, हैं। खुश होते हैं अल्लाह का शुक्र करते हैं परेशान होते हैं अल्लाह से मदद मांगते हैं ठीक बस इसके अलावा हमारे पास है क्या <laughs> मेरा सवाल ये है कि मेरी क्लास फैलो कहती है कि इस्लाम में मर्द और, और औरत को बराबर नहीं समझा जाता क्योंकि मर्द को चार शादियों की इजाज़त है और औरत को क्यों नहीं औरत को क्यों नहीं उसको औरत को चार शादियाँ की इजाज़त मिल गई तो औरत तो परेशान हो जाएगी हैं? अल्लाह ताला ने हर एक को उसकी फितरत के मुताबिक ताकत दी हुई है और जो शादियाँ हैं वो कई मकसद के लिए दिया हुआ है खुली छुट्टी नहीं दी हुई मर्द मर्दों को मर्द कहते हैं हमें चार शादियों की इजाज़त मिल गई इस तरह चार शादियों की इजाज़त नहीं बड़ी कंडीशन हैं अल्लाह ने कहा है अगर दीन की जरूरत के लिए ज़रूरत हो सबसे पहली हैं जिस तरह नब ब्याह को जरूरत होती है ज़्यादा शादी करती है वल्लम ने की दीन के फैलाने के लिए तभी आलो ने फरमाया कि दीन का आधा इलम आयशा से सीखो इतनी इंपॉर्टेंस दे दी औरत को कि अदा दीन का जो था वो औरत से सीखने को कह दिया मर्दों को भी हुँ? ये इम्पोर्टेंस नहीं है औरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है हाँ शादियाँ इसलिए कहीं ताकि दीन को फैलाने में किरदार अदा करती है औरत क्योंकि औरतों की तादाद ज़्यादा, ज़्यादा होती है उनकी तरबियत के लिए ज़्यादा अच्छी एक तो पहली बात फिर बज दफ़ा डॉक्टर कह देते हैं कि औलाद नहीं हो सकती औरत की तो औलाद के लिए फिर औरत की इजाज़त से शादी कर सकता है वो तो ये वजूहत हों कायम तो तब ठीक है लेकिन उसके बावजूद ये हक दिया अल्लाह ताला ने औरत को हजरत मसिम ने बड़ा वादे लिखा है कि तो ये औरत को ये हक़ हासिल है कि अगर वो समझती है कि मर्द किसी वक्त शादी कर सकता है मेरा खामन दूसरी तो वो शादी से पहले लिखवा लें उससे कि तुम मेरे अलावा किसी से और शादी नहीं करोगे चाहे मेरे औलाद हो या ना हो चाहे मैं बीमार हूँ या नहीं बीमार हूँ हैं तो तुम शादी नहीं करोगे जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो वो मर्द पाबंद है कि बॉन्ड जो उसने लिखा हुआ उसकी पाबंदी करें ये शर्त रखी जा सकती है शादी से पहले ही शर्त कर लो कोई शादी नहीं करेगा मर्द करेगा तो वो पकड़ा जाएगा अल्लाह उजाला की नज़र में गुनागार ठहरेगा ठीक है औरत की फितरत ही ऐसी अल्लाह ताली ने बनाई कि वो इस तरह शादियाँ करे उसको बर्दाश्त ही नहीं होता उसकी एक एक और फितरत बनाई है अल्लाह ताला ने वो यही चाहती है कि एक खामंद हो और उसी से मोहब्बत हो हैं लेकिन मर्द के फितरत में रखी है अल्लाह ताली ने है। तभी औरतें कम दोस्तियाँ करती हैं मर्द ज़्यादा कर रहे होते हैं दो औरतें भी होती हैं खराब करप्ट औरतें होती हैं जो अपने शादी खामदों के अलावा भी दोस्तियाँ लगाई होती हैं उन्होंने बाहर यही तुम्हारे माशरे में नज़र आता है इससे बुराइयाँ भी फैलती हैं ठीक है तो उन बुराइयों से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि चार शादियाँ कर लो तो बेहतर है बजाय इसके कि गुनाहों में पढ़ो लेकिन औरत की फितरत में इसी औरत से तुम पूछ लो इंटरव्यू ले लो जाके जब तुम पंद्रह साल की हो जाओगी ना फिर तुम जाना किसी से पूछ लो औरत से कि तुम चाहती है कि तुम्हारे दो खामद हों वो तुम्हारे मुँह पर चपेट मारेगी हैं ठीक है तो ये लेकिन मर्द नहीं ये करेगा तो ये अल्लाह ताला ने फितरत बनाई है जो इंसान की उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने हक़ दे दिया जो फितरत है ही नहीं इंसान की वो उसको किस तरह हो सकता है लेकिन अभी भी इसके बावजूद भी दुनिया में ऐसे कबीले हैं इंडिया के बाद रिमोट इलाकों में या बाज़ आइलैंड्स हैं उनमें कि जहाँ औरतें हुकूमत करती हैं और औरत की दो तीन तीन खामद होते हैं हैं अभी भी दुनिया में तो इस तरह कायम है लेकिन अल्लाह कहता है ये फितरत नहीं है तुम्हारी और वो तंगी आए होते हैं उनको पता नहीं लगता औलाद किसकी है पता नहीं लगता ठीक है ना मर्द के तो औलाद का पता लग जाता है कि किसकी औलाद है औरत की कई शादियाँ होगी तो पता नहीं लगेगा किसके बच्चे हैं इस मर्द के हैं कि उस मर्द के हैं कि उस मर्द के हैं फिर एक फसाद पैदा हो जाएगा ठीक है फिर प्रॉपर्टी का जहाँ सवाल आएगा वो कहेगा मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो हैं तो इन झगड़ों को बचाने के लिए अल्लाह का फितरत जो है इंसान की और हर जानवर में फितरत है ये उस फितरत के मुताबिक अल्लाह ताला ने तुम्हें हक़ दिया है लेकिन उसमें शर्तें लगा दी हैं उन शर्तों पर पूरा उतरोगे तो ठीक नहीं तो नहीं ठीक है, ठीक है। आ, चलो मेरा सवाल ये है कि अगर कोई जो आपके ऊपर अथॉरिटी रखने वाला हो जैसे कि वालदे या फिर टीचर उनके साथ अगर कोई झगड़ा या इख्तलाफ हो तो इस सूरत में मुझे किस तरीक़े से पेश आना चाहिए ख़ास तौर पर जब हम दोनों को लग रहा हो कि हमारा नज़रिया दुरुस्त है बात यह है तुम्हारी उम्र क्या है आ, मैं पंद्रह साल की हूँ पंद्रह साल की हो तुम्हारा तजर्बा पंद्रह साल का है सिर्फ बल्कि सात साल निकाल दो तो नौ साल का तजर्बा है और तुम्हारे टीचर जो हैं या तुम्हारे वालदेन जो हैं वो बड़ी उम्र के हैं उनका एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस काउंट होकर उनको पता है कि हमारा तजर्बा ये कहता है कि ये चीज़ गलत है और उसके लिए कोई आर्गूमेंट भी होना चाहिए ना कोई दलील देते हैं तो फिर ठीक है और अगर समझते हैं कि नहीं हम ठीक है और तुम्हारी बात सही भी हो तो वो गलत कहते हैं तो तुम उनसे कहो मुझे साबित कर दें तो मैं मान लेती हूँ ठीक है मुझे आर्ग्यू ब्राय आर्ग्यू करने के सिर्फ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए आर्ग्यूमेंट उनको कहो कि मुझे समझा दें और अगर फिर भी वो कहते हैं नहीं अगर कोई असूली बात है तो फिर वो कह कहेंगे नहीं हम सीख कह रहे हैं तो फिर कहो कि मैं भी दुआ करती हूँ आप भी दुआ करें फिर जो हमारा फैसला होगा जो मेरे दिमाग में अगर आ गई बात तो मैं मान लूँगी आपकी बात अगर नहीं है तो नहीं है फिर तो मुख्तलिफ़ मामला होते हैं किस मामले में आर्ग्यू करना है कोई कोई नज़रियाती बात है कोई रिश्ते की बात है तो ये तो एक जनरल सवाल है ना कि अगर वो कहें कि यूँ है तो हम कहें यूँ हैं बज दफा कोई रिश्ता आता है किसी लड़की का वालदेन कहते हैं रिश्ता अच्छा तुम कर लो लड़की कहती है कि मुझे तसली नहीं मैं नहीं करूँगी वो तुम्हें आर्ग्यू करते हैं तुम्हारे साथ कि नहीं ज़रूर करो तो उस पर तुम कह सकते हो अच्छा फिर मैं दुआ करूँगी दुआ के बाद मेरी तसली होगी तो मैं करूँगी नहीं तो नहीं करूँगी रिश्ते के बारे में अल्लाह तला ने तुम्हें हक़ दिया कि तुम अपने रिश्ते का इनकार करो या इकरार करो लड़की मान जाती है तब रिश्ते में वालदेन की मर्ज़ी होती है अगर कोई असूली बात है कोई तालीम की बात है टीचर अगर कोई बात कर रहा है पढ़ाई में उसमें टीचर जो है वो बहरहाल कोई दलील देगा तुम्हें उसके बाद तुम तो उसको मानोगे ना कि ये इस तरह इस तरह है अगर तुम्हें समझ नहीं आई तो उसको मुझे समझाओ टीचर ने बिला वजह बहस तो नहीं तुम्हारे से करनी तो टीचरों को वालदेन के साथ ब्रैकेट ना करो उनके अपना एक दायरा है जिसके अंदर वो रह कि तुम्हें नसीहत करते हैं ये बातें करते हैं ये आर् करते हैं टीचर का अपना पढ़ाई का स्कूल का साथ दायरा है उसके अंदर रह के वो करती है तो हर मुख्तलि नौयीत केसेस होते हैं तो तुमने खुद देखना है कि किस चीज़ में करना है हाँ रिश्तों में लड़की को इख्तियार हासिल है करे या ना करे दौड़ लेकिन करे तो दुआ करके फैसला करे अल्लाह ताला से मदद मांगे पढ़ाई के मामले में अगर तुम्हारे पास दलील ठोस दलील है तो तुम्हारे पास उस टीचरों को बताओ कि यह दलील है और बाद जो अच्छे टीचर होते हैं वो मान भी जाते हैं और अगर तुम्हें समझ नहीं आएगी उसे को मुझे समझाओ क्योंकि बहरल टीचर टीचर है उसका एक्सपीरियंस हमारे से ज़्यादा है ठीक है ये कहना नहीं मैंने कह दिया वो ठीक है वो जिटाई है ना जिटाई नहीं इस्लाम चाहता इस्लाम कहता है आपस में दिल के फैसला करो बैठो और एक दूसरे की तसली कराओ तो तसली होनी चाहिए लेकिन जस्ट आर्गूमेंट फॉर द सेक ऑफ फार और अपने ईगो के लिए नहीं होना चाहिए ठीक है अना के लिए नहीं होना चाहिए अब बस मैं, मैंने कह दिया वो तो ठीक है तो इसलिए ठीक है नहीं बहुत सारी बातें हम करते हैं मैं भी गलत बात कह देता हूँ बाद तो मैं समझता हूँ कि गलत है तो मैं कह देता हूँ गलत है तो जब समझ आ जाए एक बात की उसको मान लेना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की मान लो लेकिन अपने अना या एगो का सवाल ना बनाओ ठीक है उस वक्त जो समझ आई उसके मुताबिक तुमने कह दिया बस बस सख्त लफ्जी बोले जाते हैं इंसान अपनी दलील देने के लिए कह देता है लेकिन जब पता लग जाए समझ आ जाए तो फिर वापस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल भी लेना चाहिए ठीक है ये कोई शरीयत का हुक्म तो है नहीं कि ज़रूर हमने करना है एक बात पे हाँ जो सही बात है वो सही जो गलत है वो गलत ये सोच पैदा करो कि हमने सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है और समझने की कोशिश करनी है ये नहीं कि ज़िद में आ जाना है कि नहीं मैं ठीक हूँ ज़रूरी नहीं कि मैं ठीक हूँ हर बात में गलतियाँ होती हैं मेरे से भी होती हैं तुम्हारे से भी होती हैं सारों से हो सकती हैं ठीक है ठीक है ठीक है जजाक इम साल हम लजना इमाइला की तंजीम में शामिल हो जाएंगे इन शाह प्यारे प्यारा हमें बेहतरीन लजना मेंबर बनने के लिए हमारी रहनुमाई फरमाएं तुम बेहतरीन नासरात बनी हुई हो हैं अगर जिस तरह तो तुम बेहतरीन असरात बनी थी ना उसी तरह बेहतरीन लजना मेंबर बन जाओ लजना में आके अपने आप को ये ना समझो कि आज़ादी हो गई अब मैं पंद्रह साल की हो गई हूँ और मैं तीन साल के बाद अठारह साल की हो जाऊँगी तो मैं अपने माँ बाप के पंजे से आज़ाद हो जाऊँगी मुझे मेरी सोसाइटी मेरा मुल्क का कानून जो है वो इजाज़त देता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ मेरी मर्जी है मैं जिस मर्ज़ी से दोस्ती करूँ जिस मर्जी से दोस्ती ना करूँ मेरी मर्जी है मैं ओवरनाइट स्टे करूँ अपने सहेलियों के घर में उनके घर में लड़के भी हैं मर्द भी हैं बेपर्दगी भी होगी तो मैं आज़ाद हूँ जो मर्जी करूँ तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं इस्लाम कहता है कि अच्छी मुसलमान हैदी लड़की उसको बाया होना चाहिए और शरीयत के जो कायदे कानून हैं उनके अंदर रहते हुए रहना चाहिए तो उन चीज़ों को सामने रखो कि मैंने जो काम करना है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए करना है उसकी मर्ज़ी हासिल करने के लिए करना है तो फिर तुम अच्छी लज़ना बन जाओगी तुम अच्छी इंसान बन जाओगी अच्छी शहरी बन जोगी ठीक है बस एक अच्छी लज़ना को अच्छा शहरी भी होना चाहिए अच्छा इंसान भी होना चाहिए और अल्लाह का अदा करने वाला होना चाहिए हर वक्त शुक्रगुजारी करो अल्लाह की और ये हमेशा ख्याल रखो कि मैं एक अहमदी लड़की हूँ और अहमदी लड़की मुसलमान लड़की जो है उसको दूसरों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए इसलिए मैंने इबादत का भी हक़ अदा करना है और मैंने लोगों के हक़ भी अदा करने हैं लोगों से हमदर्दी से मिलना है अच्छे अखलाक से मिलना है गरीबों की मदद करनी है अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है बड़ों का अदब करना है लिहाज करना है और किसी बात पर जिद जिस तरह मैंने कहा था जिदबाज़ी नहीं करनी बल्कि अच्छे अखलाक दिखाने हरों को तो तुम अच्छी लजना बन जाओगी ठीक है मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ हजरत वसीम साहब ने फरमाया कि तुम हमेशा याद रखो कि हमेशा हमें खुदा हमारे हर काम को देख रहा है अल्लाह ताला तरमाया हज़र साहब ने फरमाया कि खुदा हमें देख रहा है तो हमने जो कुछ करना है अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए करना है अगर ये ख्याल आए कि सी सी टी वी कैमरे यहाँ तो लगे हुए हैं थोड़ी देर के लिए देख रहे हैं ना अल्लाह का सी सी टी वी कैमरा मुस्तकिल देख रहा है हमें कि हमारे दिल में क्या है वो भी देख रहा है इसलिए जो दिल की बात है उसको भी पाक रखो ठीक तो अच्छी लजना बन जाऊ जजाक मेरा सवाल ये है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम को आलमीन करार दिया तो जंग खंदक के बाद जो बनू कुरेजा के मर्दों का कत्ल किया गया था तो उन पर रहम क्यों नहीं किया गया तो इसके बारे में मैंने बड़ी तफसील से खुतबा दिया तो मेरा खुतबा नहीं सुना था अब पाँच मिनट में, में तो मैं तुम्हें तो बता नहीं सकता मुख बात यही है कि हादुर रल्लम रहामिन थे जब उन्होंने गुजारी की तो उन्होंने कहा उनको कि तुम्हारा फ़ैसला मैं करता हूँ तुम लोग यहाँ से छोड़ के चले जाओ तब को मैं बख्श देता हूँ हैं और तुमने जो मनसूबा बनाया ना इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ तो मैं तो कुछ नहीं कहता छोड़ देता हूँ मेरे से फैसला करा लो उन्होंने कहा नहीं हम तो फलां सबी का नाम लिया उससे फैसला कराएंगे तो सबी जो यहूदी से मुसलमान हुए थे उन्होंने कहा कि अच्छा फिर जो मूसा की शरीय है फिर मैं उसके मुताबिक फ़ैसला करूंगा उसने कहा करो फिर उन्होंने कहा मूसा की शरीत ये कहती है कि इस किस्म के लोग जो होते हैं इस तरह गद्दारी करें और इस तरह कतल के मनसूबे बनाएँ और नुकसान उठाने की खोते करें, फितना करें फसाद पैदा करें तो उनको कत्ल कर दो उस पर कत्ल कर दिया करें लेकिन इसमें भी अभी इख्तलाफ़ है बहुत सारे लोग कोई कहता है तीन सौ आदमियों को कत्ल किया है कोई चार सौ का कोई हज़ार का बच्चों का या औरतों का तो उन्होंने हर एक का कत्ल नहीं इसमें भी इख्तलाफ है तारीख में वो मैंने तफसीलीन किया भी हुआ है अपने एक खुद में। ठीक है यहूदियों ने बात मानने से इनकार कर दिया था उन्होंने कहा था नहीं हमने फैसला आपसे नहीं कराना फला है फला तुम्हारी शरीत के फ़ैसला करता हूँ तो उनकी शरीय के मुताबिक फ़ैसला हुआ था तो इल्ज़ाम आता ही नहीं ठीक है इसके लिए तो मेरा वो खुतबा भी तलाश करके सुन लेना दोबारा ويوم السبت الحادي عشر من مايو ايار الجاري التقى فخامه الرئيس الغاني السابق جون مهامه بحضره خليفه المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز في اسلام اباد وخلال اللقاء تحدث امير المؤمنين عن الفتره التي عاشها في غانا واعرب عن امله في استمرار تقدم غانا وان تتقدم الدول الافريقيه في بناء دولها بحيث تصبح وسيله لمساعده الدول الاخرى وقال ان مفتاح النجاح هو نزاهه القاده والشعوب How wide his knowledge of the world is, and especially my own country, Ghana. I was amazed at how current he is with developments in Ghana. Of course, I'm, I'm involved in the political campaign leading to the elections uh, on 7th December, and so he asked me a lot of questions, but also gave us a lot of information on his knowledge about Ghana. Knowing his background, having lived in northern Ghana, and was involved in agriculture in northern ghana introducing uh, wheat seeds to grow wheat in ghana for the first time um, he was interested especially in agriculture and so he was asking about what we intended to do with the huge water resources we have uh, in the volta river he knows the volta river the white volta the black volta and he says that we should be Using a lot of that water for irrigation and agricultural purposes. I was proud to learn that he had lived in Ghana. He was uh, the first principal of the Amadia Secondary School in Salaga, and then he was also the principal of the Amadia Secondary School in Esacher. And so he's uh, got quite a lot of background, you know, from Ghana. And he actually revealed that his son. Was born in the Tamale Teaching Hospital, and so uh, we are all proud that he is the head of the movement. We know that the um, Ahmadi Mission in Ghana is doing very well in education, in health, in agriculture, and um, we wish to collaborate with them um, if we form the next government to be able to expand on a lot of the things that they are doing. ويوم الاثنين الثالث عشر من مايو ايار الجاري التقى عدد من كبار اعضاء مجلس هامشاير حضره امير المؤمنين في مكتبه في اسلام اباد وخلال اللقاء اتيحت الفرصه لهم جميعا لتقديم انفسهم والتعبير عن مشاعرهم وطلب توجيهات حضرته نصره الله <applause>

On some of the questions asked, including myself, where I asked for his guidance on becoming chairman of East Hampshire on Thursday. And he gave me advice on um, being there as I was voted for, for by the people and being there to support the people and do what they um, require and ask of me. I had such a wonderful time this morning meeting His Holiness. I found him really interesting to listen to, and I found him really caring in how he approached everyone in the room. I was a little bit nervous to meet him, but he, he really put me at ease, um, and I'd love to meet him again. Hearing the views of His Holiness at the meeting um, was particularly enlightening, uh, especially the uh, reaffirmed commitment to tolerance, love for all, hatred for none. To hear his views as to how we can influence, even as local councillors, from grassroots level up to, uh, to spread uh, the word of tolerance, uh, peace to um, our fellow, fellow neighbours and to influence national politicians. The world is a, is a very volatile place, and I believe that the, His Holiness is uh, uh, projections of love and, and support. and tolerance are, are, are a useful force of good in that world. بهذا وصلنا الى نهايه نشرتنا ولمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على العناوين الظاهره اسفل الشاشه والى ان نلقاكم في انشطه جديده لكم منا اطيب الامنيات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيت الخلافه قام يا خلاني